सब लगाते हैं, लेकिन मेहंदी लगाने का फायदा तो तब है जब मेहंदी को कुछ ऐसे ढंग से लगाया जाए जिससे उसके जो फायदे हैं वो 2 गुना नहीं, 3 गुना नहीं, 100 गुना बढ़ जाए। वेलकम बैक टू माई चैनल, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। मैं वंशिका सक्सेना और आप देख रहे हैं डॉक्टर वंशिका सक्सेना चैनल, जहां आपको देखने को मिलती है हेल्थ एंड नेचर ब्यूटी रिलेटेड वीडियोस। तो सबसे पहले इसके फायदों के बारे में बात कर लें क्या? चलो कर ही लेते हैं। तो सबसे पहले बताते हैं इसके कुछ फायदे। तो सबसे पहले तो जो इसका मेन फायदा है, जिसके लिए लोग इसको लगाना पसंद करते हैं, वो है कंडीशनिंग। इसके साथ ही इसको लगाने से हमारे जो हेयर फॉल होता है वो कम होता है, इसकी डीप कंडीशनिंग हो जाती है, डैंड्रफ हट जाता है, और जिन लोगों के स्कैल्प में खुजली होती है, इचिंग होती है, वो इचिंग भी ख़त्म हो जाती है इससे, और हमारे बाल शाइनी एंड हेल्दी हो जाते हैं कुछ इसी तरह से। शाइन कर रहे हैं ना? चलो आगे चलते हैं। वैसे ये जो मेहंदी होती है सिर्फ बालों में और हाथों में ही लगाने के लिए नहीं होती, इसमें कई तरह के औषधीय गुण और होते हैं जो ये और कई टाइप के डिसीजेज में काफी बेनिफिशियल होती है, जैसे लिवर रिलेटेड डिसीजेज में, ब्लड को प्योरीफाई करने में, नी एंड ज्वाइंट्स की प्रॉब्लम में, और मोस्ट इम्पॉर्टेंट इसका यूज हार्ट आर्टरीज में प्लाक और प्लेटलेट बिल्डअप को रोकने में हेल्पफुल होता है। इन्हीं के साथ साथ ये और भी बहुत सारी डिसीजेज में हेल्पफुल होती है, लेकिन हम अपने मुद्दे पे आ जाते हैं, जैसा कि हम मेहंदी लगाना सीखने वाले थे। तो चलो फटाक से प्रिपेयर कर लेते हैं अपना हिना पैक। तो गाइज यहाँ पर मेरे पास है 100% प्योर मेहंदी, 1 चम्मच कॉफ़ी, 2 चम्मच चाय पत्ती और 1 कप प्लेन पानी। अब हम प्रिपेयर करेंगे मेहंदी को भिगोने के लिए पानी। अब हमें एक बर्तन लेना है खाली, उसको गैस पे चढ़ा देना है, उसी के साथ हमने जो पानी लिया था 1 कप उसको डाल देना है, साथ ही उसमें चाय पत्ती और जो हमने कॉफ़ी ली थी वो डाल देनी है, और हमने इनको तब तक बॉईल करना है जब तक इनका कलर पानी में अच्छे से ना उतर जाए। सबसे पहले मैंने यहाँ पर ली है लोहे की कढ़ाई। लोहे की कढ़ाई क्यों ली है बताती हूँ आगे। फिर मैंने अपने बालों की लेंथ के हिसाब से मेहंदी पाउडर ले लिया है, 10 से 15 नीम की पत्ती ले ली है, आंवला पाउडर ले लिया है 1 चम्मच। यहाँ मेरे पास पतंजलि का आंवला पाउडर है, आप किसी और भी कंपनी का ले सकते हैं जो आपको पसंद हो, लेकिन मैंने पतंजलि का लिया है। उसके बाद जो हमने कॉफ़ी और चाय पत्ती का पानी रेडी किया था वो लिया है, उसको हमने ठंडा कर लिया है, और इस नीम की पत्ती को पीसने के लिए हम यहाँ पर ओखली का यूज़ कर रहे हैं। अब नीम की पत्ती को अच्छे से कूट लेते हैं और उनकी एक चटनी टाइप की बना लेते हैं। नीम की पत्ती के साथ थोड़ा पानी और डाल दीजिएगा, जिससे कि ये जो नीम की पत्तियां हैं वो अच्छे से कुट जाएं, पिस जाएं। नीम में फैटी एसिड्स, लाइमोनॉइड्स, विटामिन ए, ट्राइग्लिसराइड, एंटीऑक्सीडेंट एंड कैल्शियम प्रेजेंट होता है, जो डैंड्रफ, स्कैल्प इचिंग, फ्रिजीनेस को कम करता है और नेचुरली आपके बालों को ब्लैक करता है, और साथ ही आपके ग्रे हेयर्स को मिनिमाइज करता है और हेल्दी हेयर्स ग्रोथ प्रमोट करता है। अब हमारा नीम का जो पेस्ट है वो बनकर तैयार हो चुका है, उसको हमने एक कटोरी में निकाल लिया है। अब हम हिना पैक बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम इसमें नीम पाउडर डाल लेंगे, उसको अच्छे से चला लेंगे जिससे अच्छे से मिक्स हो जाए। जो आंवला होता है उसमें न्यूट्रिएंट्स, विटामिन्स, विटामिन सी, मिनरल्स, एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, जो स्कैल्प सर्कुलेशन को इंक्रीज करता है, हेल्दी हेयर ग्रोथ को स्टिमुलेट करता है, हेयर्स को नेचुरली कंडीशन करता है, डैंड्रफ को ट्रीट करता है, एज अ स्कैल्प क्लिंजर वर्क करता है, ग्रे हेयर्स को रिड्यूस करके बालों को नेचुरली ब्लैक बनाता है, और साथ ही बालों को थिक और शाइनी बनाता है। आंवला पाउडर और नीम जो पेस्ट हमने बनाया था उसको हमने इसमें अच्छे से मिक्स कर दिया है। अब ये जो हमने कॉफ़ी और जो चाय पत्ती का पानी बनाया था उसको हमने थोड़ा थोड़ा करके ऐड करना है, एकदम से सारा नहीं डाल देना है, क्योंकि अगर हम एकदम से सारा डाल देंगे तो हमारा जो पेस्ट है वो पतला हो सकता है। चाय पत्ती और कॉफ़ी का यूज़ हमने इसलिए किया है जिससे हमारे बालों का जो कलर है वो डार्क ब्राउन आए, हेयर ग्रोथ अच्छी हो, हेयर लॉस स्टॉप हो, हेयर टेक्सचर इम्प्रूव हो, ब्लड सर्कुलेशन इम्प्रूव हो,
और स्कैल्प एक्सफोलिएट हो। उफ, इतनी मेहनत के बाद अब जाके हमारा जो मेहंदी पैक है वो अच्छे से मिक्स हो चुका है। सो अब ये जो हमारा पानी बचा है इसको हम रख देंगे सुबह के लिए। हो सकता है कि ये जो मेहंदी है फूल कर थोड़ी गाढ़ी हो जाए तो हमें पानी की ज़रूरत पड़े। तो ये जो हमारा मेहंदी पैक है इसको हम रात भर के लिए किसी न्यूज़पेपर से या फिर किसी भी चीज़ से ढककर रख देंगे। एंड नाउ मॉर्निंग में कुछ इस तरह से आपको मेहंदी देखने को मिलेगी। अब देखो इसमें जो ब्लैकनेस आई है ना वो आई है इस कढ़ाई की वजह से। जो आयरन होता है वो ब्लैकनेस छोड़ता है अपना, जो हमारे बालों को नेचुरली ब्लैक करने में हेल्पफुल होता है। अब हमें मॉर्निंग में इस मेहंदी पैक में क्या क्या ऐड करना है ये देख लेते हैं। हमने यहाँ पे लिया है एक अंडा, एक चम्मच दही और एक नींबू का रस। लेमन हमारी स्कैल्प से डैंड्रफ को दूर करता है, इचिंग को दूर करता है और हमारे बालों को डीप क्लींस करता है। इसी के साथ हम ले रहे हैं यहाँ पर कर्ड। जो दही होता है वो एक बहुत अच्छा सोर्स है प्रोटीन, कैल्शियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम और विटामिन ए का। कर्ड में एंटी इंफ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज, बायोटीन प्रेजेंट होता है जो बालों को स्ट्रॉन्ग, हेल्दी और शाइनी बनाता है। बालों की फ्रिजीनेस को ख़त्म करके बालों को सॉफ्ट बनाता है, हेयर ग्रोथ स्टिमुलेट करता है और डैंड्रफ को कंट्रोल करता है। साथ ही हमने जो इसमें अंडा यूज़ किया है, अंडा हमारे बालों के लिए बहुत अच्छा होता है क्योंकि इसमें काफ़ी अच्छी मात्रा में प्रोटीन पाया जाता है। स्पेशली ड्राई हेयर्स को मॉइस्चराइज करने के लिए एग योक बहुत यूज़फुल होता है। एग योक हमारे हेयर्स के लिए सुपर फूड माना जाता है क्योंकि इसमें यूनिक कॉम्बिनेशन ऑफ विटामिन पाए जाते हैं लाइक विटामिन ए एंड ई, बायोटिन एंड फोलेट्स। हमें मेहंदी के पेस्ट को ना ज़्यादा गाढ़ा रखना है और ना ही ज़्यादा पतला रखना है। अब जल्दी से चलते हैं और इस पेस्ट को अपने बालों पे अप्लाई करवा लेते हैं। अपने बालों के कुछ कुछ पार्ट्स लीजिएगा और उन पे मेहंदी लगाते जाइएगा एंड इनको रोल करके जूड़ा बनाते जाइएगा। देन फिर नेक्स्ट अपने बालों का कुछ पार्ट लीजिएगा, उनको अच्छे से लपेट लीजिएगा, फिर उन पर मेहंदी लगा लीजिएगा। ऐसे ही हल्के हल्के करके अपने बालों पे अच्छे से मेहंदी लगवा लीजिएगा या फिर खुद लगा लीजिएगा। वैसे खुद भी लगाना काफ़ी इजी होता है। जैसा कि बालों पर मेहंदी पैक लग चुका है, अब इस मेहंदी को अपने बालों पे 2 से 3 घंटा या अगर आपके पास और ज़्यादा टाइम है तो 3 से 4 घंटा भी आप इसको रख सकते हैं, क्योंकि जितना आप ज़्यादा अपने बालों पर इसको रखेंगे उतना ही गहरा रंग चढ़ेगा। तो अब इसको हमने लगा लिया है और 3 से 4 घंटे भी हो चुके हैं लगाने के बाद। देन हमें प्लेन वाटर से इसको वॉश कर लेना है और वॉश करने के बाद इसको हमें ड्राई कर लेना है। और जब हम सोएंगे नाइट में तो हमें ऑयलिंग करनी है। हमें मेहंदी में ऑयल नहीं डालना है, हमें मेहंदी लगाने के बाद जब हम सोएंगे तब हमें ऑयलिंग करनी है। 8 से 9 घंटा हमें अपने बालों पर ऑयल रखना है, देन हमें शैम्पू और कंडीशनर कर लेना है। ये वीडियो मैं सेकेंड डे बना रही हूँ। कल मैंने मेहंदी लगाई थी, देन मैंने रात में ऑयलिंग करी थी और ऑयल को 8 से 9 घंटा अपने बालों में रख कर जब मैं सुबह उठी तब मैंने अपने हेयर वॉश करे, शैम्पू किया और फिर कंडीशनर किया। अब आप देख सकते हो कि कितना सही कलर आया यार, मतलब ना कि रेड आया है एकदम और ना ही ब्लैक आया है, क्योंकि रेड भी बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, अजीब सा लगता है। कुछ लोगों को अच्छा लगता है लेकिन मुझे अच्छा नहीं लगता। और ना ही ब्लैक आया है ना, क्योंकि मुझे ब्लैक भी अच्छा नहीं लगता। मुझे डार्क ब्राउन अच्छे लगते हैं क्योंकि मेरे बचपन से ही ना डार्क ब्राउन थे, नेचुरल कलर जो है ना मेरे बालों का वो डार्क ब्राउन है, तो मुझे यही कलर पसंद है बचपन से। तो सही कलर आया है। आपको भी मेरे जैसे ही अपने बालों का कलर यही पसंद है डार्क ब्राउन टाइप, तो आप भी कुछ इसी तरह से अपना मेहंदी पैक प्रिपेयर करके अपने बालों को कलर कर सकते हो। एक बात मैं और बोलना चाहती हूँ, अगर आपको कुछ मुझसे पूछना होता है तो आप मुझे मेल कर सकते हो या फिर इंस्टाग्राम पर DM कर सकते हो मुझे। मैं फेसबुक पे ज़्यादा ना एक्टिव नहीं रहती तो वहाँ पे ज़्यादा लोगों के मैसेज देख नहीं पाती। मेरे पास ज़्यादातर फेसबुक पे मैसेज आते हैं, लेकिन आप फेसबुक की जगह इंस्टाग्राम पर या फिर मेल करके मुझसे जो भी आप पूछना चाहते हो वो पूछ सकते हो। सो गाइस, इस वीडियो की राम कथा यहीं पर ख़त्म करते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और जो पास में बेल आइकन है उसको भी हिट कर दें, जिससे कि मेरे चैनल की आने वाली लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। सो स्टे ट्यून विद मी, वी विल मीट अगेन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर ऑफ यू ऑल योर सेल्फ।